वेलकम स्टूडेंट। तो आज की इस वीडियो में हम वैसेक्टोमी एंड ट्यूबेक्टोमी को समझेंगे। ये स्टरलाइजेशन ऑफ मेल और फीमेल होता है। सो लेट्स बिगिन। फर्स्ट पॉइंट है स्टरलाइजेशन टर्म पढ़ा कैसे। इसमें हम मेल या फीमेल को स्टरलाइज कर देते हैं, यानी फर्टिलिटी खत्म कर देते हैं। ये एक सर्जिकल मेथड होता है, इसलिए हम इस मेथड को स्टरलाइजेशन कहते हैं। नेक्स्ट पॉइंट, जनरली एडवाइस फॉर मेल एंड फीमेल पार्टनर एज अ टर्मिनल मेथड टू प्रिवेंट एनी मोर प्रेगनेंसी। जनरली ये मेल या फीमेल दोनों में या किसी एक में भी या फिर दोनों में ही कर सकते हैं, और ये एक सर्जिकल मेथड होता है जिससे मेल या फीमेल उसको हम स्टरलाइज कर देते हैं, यानी कोई भी आगे प्रेगनेंसी कंटिन्यू, चाहे वो वुमन हो वो भी नहीं कर सकती, और अगर मेल में हम करेंगे तो वो भी आगे चाइल्ड को प्रोड्यूस नहीं कर सकता। नेक्स्ट पॉइंट है, सर्जिकल इंटरवेंशन ब्लॉक गैमेट ट्रांसपोर्ट एंड देयर बाय प्रिवेंट कंसेप्शन। ये एक सर्जिकल मेथड है, तो इसमें ये होता है कि जो गैमेट बनते हैं मेल या फीमेल, जब हम इस प्रोसीजर को फॉलो करते हैं तो जो गैमेट बनते हैं वो गैमेट आगे पास ऑन नहीं होते और उनका फर्टिलाइजेशन नहीं हो पाता है। दैट्स वाई कि जो कंसेप्शन वो होता ही नहीं है। नेक्स्ट पॉइंट, स्टरलाइजेशन प्रोसीजर इन द मेल इज कॉल्ड वैसेक्टोमी एंड दैट इन द फीमेल इज कॉल्ड ट्यूबेक्टोमी। यानी जो स्टरलाइजेशन का प्रोसीजर हम सर्जिकल मेथड से करते हैं, तो मेल में इस प्रोसीजर को, इस सर्जरी को वैसेक्टोमी कहते हैं और फीमेल में ट्यूबेक्टोमी कहते हैं। फर्स्ट हम पढ़ते हैं वैसेक्टोमी। इन वैसेक्टोमी अ स्मॉल पार्ट ऑफ वास डिफरेंस इज रिमूव और टाइड अप थ्रू अ स्मॉल इंसिजन ऑन द स्क्रोटम। तो वैसेक्टोमी में करते क्या है कि जो वास डिफरेंस है, जो स्पर्म को एपिडर्मिस से आगे पास ऑन करता है वास डिफरेंस के थ्रू इजैकुलेटरी डक्ट में, तो हम यहाँ पे वास डिफरेंस को ही काट कर उसको टाई अप कर देते हैं। तो इससे होगा क्या, जो सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल में बनने वाले स्पर्म एपिडर्मिस से होकर वास डिफरेंस के थ्रू जब इजैकुलेटरी डक्ट में पहुंचते थे तो उनका एजुकेशन होता था, तो अब जब हम वास डिफरेंस को ही कट करके उसको टाई अप कर देंगे तो जो स्पर्म है वहां से पास हो ही नहीं कर पाएगा, है ना। तो इस प्रोसीजर को करने के लिए हम स्क्रोटम के पास एक स्मॉल कट लगाते हैं और वहां से सर्जिकल मेथड से वास डिफरेंस को काट के हम टाइप कर देते हैं। बट हमें यहाँ पे एक चीज याद रखनी है कि अगर वैसेक्टोमी हो गई है मेल के अंदर तो भी इजैकुलेशन तो होगा, क्योंकि सिर्फ स्पर्म नहीं आएंगे, स्पर्म का पास ऑन नहीं हो पाएगा वास डिफरेंस से, बट सीमेन तो कम आउट होगा क्योंकि इजैकुलेशन में सीमेन होता है। सीमेन कहाँ से आता है, बल्बुलर थायरॉइड ग्लैंड्स, प्रोस्टेट ग्लैंड्स, सेमिनल वेसिकल, तो वहां से सीक्रेशन जो होगा वो तो आएगा, बट सीमेन के अंदर स्पर्म नहीं होंगे तो वो मेल स्टरलाइज हो जाएगा, वो कोई भी आगे जनरेशन को कंटिन्यू कर नहीं पाएगा। तो वैसेक्टोमी में हम इतना समझ गए कि वास डिफरेंस को हम काट के टाई कर देंगे और स्पर्म जो होंगे वो एपिडर्मिस से पास थ्रू होकर वास डिफरेंस तक पास ही नहीं कर पाएंगे क्योंकि हमने वास डिफरेंस को कट करके टाई कर दिया। इजैकुलेशन मेल करेगा बट उसमें स्पर्म नहीं होंगे, दैट्स व्हाई द मेल इज स्टरलाइज। नेक्स्ट हम देखते हैं ट्यूबेक्टोमी। इन ट्यूबेक्टोमी अ स्मॉल पार्ट ऑफ फैलोपियन ट्यूब इज रिमूव्ड और टाइड अप थ्रू अ स्मॉल इंसिजन इन द एब्डोमेन और थ्रू वजाइना। तो ट्यूबेक्टोमी में सर्जिकली मेथड से ये किया जाता है कि जो फैलोपियन ट्यूब है उसको काट के टाइप कर देते हैं, तो उससे होगा ये जो ओवुलेशन में सेकेंडरी ओसाइट रिलीज होता है ओवरी से, वो पास होकर फैलोपियन ट्यूब में पहुंचेगा ही नहीं एम्पुलरी रीजन में, तो स्पर्म भी वहां नहीं पहुंच पाएगा, तो फर्टिलाइजेशन ही नहीं हो पाएगा। और इस प्रोसीजर को करने के लिए एब्डोमेन में कट भी लगा सकते हैं, अदरवाइज वजाइना के थ्रू भी ये प्रोसेस कर सकते हैं। तो ट्यूबेक्टोमी में ये होगा कि फैलोपियन ट्यूब को कट करके टाई कर देंगे, तो जो सेकेंडरी ओसाइट ओवरी से ओवुलेशन के टाइम पे निकला है वो स्पर्म तक नहीं पहुंच पाएगा, तो फर्टिलाइजेशन हो गई नहीं, दैट्स व्हाई जो फीमेल है वो स्टराइल हो जाएगी, वो आगे कंसीव नहीं कर पाएगी। नेक्स्ट हम देखते हैं, दिस टेक्निक्स मीन्स वैसेक्टोमी एंड ट्यूबेक्टोमी आर हाईली इफेक्टिव बट देयर रिवर्सिबिलिटी इज वेरी पुअर। मीन्स कि जब हम वैसेक्टोमी ट्यूबेक्टोमी मेल या वोमेन में रेस्पेक्टिवली करते हैं तो वो स्टराइल हो जाते हैं, बट अगर कोई ये चाहता है कि वो दोबारा बेबी कंसीव करना चाहता है तो हम इसकी रिवर्सिबिलिटी को कर सकते हैं, बट सक्सेस रेशो इज वेरी लेस, निगलिजिबल है, क्योंकि हमने सर्जिकल मेथड से वास डिफरेंस या फिर फैलोपियन ट्यूब को कट कर दिया था,
तो अभी इसके रिवर्सिबिलिटी के चांसेस बहुत कम है, बहुत रेयर यानी नेगेजिबल है। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करें, ऐसे ही और वीडियो के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में, तब के लिए थैंक यू।